हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल, तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम बेसन। यहाँ पे मैंने मोटा बेसन लिया है और हमें चाहिए गुनगुना पानी, घी। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इससे ज़्यादा घी हम इसमें नहीं डालेंगे और इसको अच्छे से हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें इतना घी डालना है जितने की मुट्ठी बनने लग जाए, देखिए इस तरह से। इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से कर करके थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ये देखिए, हमें इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से बाइंड होने लग जाए बस। इससे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालना है क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमारे लड्डू आराम से इसमें बन रहा है। हमें इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। इस तरह के हमें लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं क्योंकि हम इनको सेकेंगे, इसलिए इसको हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसको हम सेकेंगे। इसी तरह से हम सारे बेसन के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। मैंने पहले ही बाटी का ओवन गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये हमारे तैयार किए हुए लड्डू रख देंगे। लड्डुओं को रखने के बाद में हम इसमें ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट अच्छे से सेक लेंगे। 5 मिनट के बाद में हम इनको लड्डुओं को पलट देंगे, देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद में हम ढक्कन लगा के वापस से 15 मिनट हम इसको अच्छे से सिकने देंगे। पंद्रह मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे लड्डू अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे। परात में निकालने के बाद में हम इनको अच्छे से फोड़ लेंगे जिससे कि ठंडे हो जाएं। ये देखिए इस तरह से, जो जहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा जलावा दिखे उसको हम निकाल देंगे। इनको अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको हम छान लेंगे, एक मोटी छलनी लेंगे हम, उससे छान लेंगे। हमें ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए दाना, हमें थोड़ा सा इसका बारीक ही दाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और जो ये मोटा मोटा हमारा बचा हुआ निकला उसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसको हम बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। सबसे लास्ट वाले को ये हमने इसको पीस लिया है। इसके बाद में हम इसे एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद में हम इसमें घी को मिलाएंगे। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच घी मिलाऊंगी। सेकते समय ही हमें इसमें घी मिलाना है। मैं 2 बड़े चम्मच घी को मिला लिया है। 2 बड़े चम्मच घी मिलाने के बाद में इसे हम जब तक सेकना है जब तक कि बेसन में से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। ये देखिए, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाए, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया और ये हमारा बेसन अच्छे से सीख गया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही हिला लेंगे। उसके बाद में हम इसे एक परात में निकाल लेंगे। परात में निकालने के बाद में हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 500 ग्राम चीनी, पिसी हुई इलायची। इसको हम बेसन में मिला देंगे। उसके बाद में हमें चाहिए और सूखे नारियल का बुरादा, जिसको हम बाद में इसको चक्की के ऊपर भुरकेंगे। और हमें चाहिए केसरिया रंग, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप इसमें डालें वरना ना डालें। फिर हम कढ़ाई में चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद में हम इसके ऊपर हमारा केसरिया कलर डाल देंगे जिससे कि चक्की दिखने में बहुत सुंदर दिखती है। थोड़ा सा रंग डालने से हम चीनी में ही रंग को मिलाएंगे जिससे कि है ना इसमें रंग में गुठलियाँ नहीं पड़े। उसके बाद में हम इसमें 250 ml पानी डालेंगे। आधा किलो चीनी के लिए हम 250 ml पानी डालेंगे और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि चाशनी 2 तार की नहीं हो जाए। इसे हमें लगातार हिलाते हुए पकाना है।
ये देखिए इस तरह से इसको ये लगातार हिलाते रहे जब तक हमारी चाशनी तैयार हो। हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। इसको मैंने तेल लगाया है। आप यहाँ पे घी को भी ग्रीस कर सकते हैं। ये हमारी चाशनी लगभग तैयार होने वाली है। ये देखिए इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। ये हमारी दो तार की चाशनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी कढ़ाई पे चारों तरफ से पकने लग गई है। हमारी चीनी इसमें जमने लग गई। अब हमारा चक्की के लिए तैयार किया हुआ बेसन हम इसमें मिला देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। अभी चाशनी तैयार होने के बाद में गैस बंद करके ही हम इसे मिलाएंगे, नहीं तो हमारी चक्की बहुत टाइट हो जाएगी। और इसे हम जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये चाशनी में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन को। अब इसको फटाफट हम ट्रे में फैला देंगे। ट्रे नहीं हो तो आप इसको थाली में भी घी लगा के इसको इसमें फैला दें। फैलाने के बाद में इसको हम अच्छे से टैप कर देंगे। उसके बाद में हमारा तैयार किया हुआ जो नारियल का बुरादा था वो इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। ये देखिए इस तरह से सारे इसके ऊपर हम अच्छे से इसको स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद में हम चम्मच की सहायता से इसको हल्का हल्का सा चक्की के अंदर दबा देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए कितनी ठोस हो गई। अब इसको हम काट लेंगे। चक्की का आकार आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको काट लें। ये मैंने चक्कियों को निकाल लिया है। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में भी निकाल लेती हूँ मैं। चक्कियों को ट्रे में से अलग कर लें। इस तरह से देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट चक्की बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। दिखने में बहुत ही टेस्टी दिख रही है और देखिए फटाफट बन जाती है। अगर ऐसी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसे इस दिवाली के मौके पर बना के आप ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक जरूर देके आपको रेसिपी कैसी लगी।